जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब यहाँ पे आईटीआई की जो लिस्ट है, जो प्रवेश वाली, उनकी लिस्ट आ चुकी है प्रथम राउंड वाला होगी। अब ये लिस्ट आपको कहाँ पर देखना है, कहाँ से चेक करना है, वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए, नए आए, तो आप लोगों से हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है DSD पोर्टल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर DSD, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, DSD की जो पोर्टल की लिंक है पहले आएगी हमारे सामने, हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। पहली लिंक पे इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, ये दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। इस पर आप क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये मेरा पासवर्ड मांग रहा, तो मैं यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे सामने ओपन, आपको जाना है यहाँ पर, दिख रहा है प्रवेश, ठीक है। प्रवेश पे क्लिक करना और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन आपको ये दिख रहा है, प्रवेश इस पर आप क्लिक करना, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ प्रवेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपना डाल लेना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको डाल लेना, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, जो भी आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज गया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर उस पर आ गया होगा, ठीक है। और आप पासवर्ड यदि आप भूल गए, तो पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड में आपकी जो रहेगी डेट ऑफ बर्थ। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, मान लो किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20, ठीक है, 20/4, ठीक है, 20/4 और 2000, ठीक है। अब आपको कैसा डालना है ये डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में, तो आपको लिखना है यहाँ पर 20/4 और 2000, ठीक है। इस तरह आपको ये डालना पड़ेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, तब आपके यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो यहाँ आपको ये इंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग, मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड ये आईडी डाल लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अंदर लॉगिन करके, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे अपना रजिस्टर्ड नंबर और मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल लिया, और अब मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही लॉगिन क्लिक करूँगा, मेरा ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने पर अब आपको कहाँ पर देखना है कि आपका जो है वो नाम आएगा नहीं है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब देखिए आप लोग, अब आपको जाना होगा यहाँ पर लास्ट में, आपको इस पर क्लिक करना है 3 डॉट पर। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिख रहा है रजिस्ट्रेशन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन ईमेल अपलोड, ठीक है, ठीक है, पे आपको चॉइस फिलिंग, ठीक है, ये दिख रहा है। अब आपको कहाँ पे क्लिक करना वो आप बता दूँ आप लोगों को मैं। अब आपको सबसे लास्ट में ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, इसमें देखिए आप लोग ये वाला, ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अलॉटमेंट रिजल्ट, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि आपको जो भी आपको यदि आईटीआई प्राप्त हो गई होगी, मिल गई होगी आपको, या ट्रेड में लगा हो, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया और यदि मुझे मिल गया, तो मेरे सामने ये आया, देखिए अब मेरे सामने ये आ चुका है, यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आपका प्रथम चरण, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारा प्रथम चरण लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके पश्चात देखो यहाँ पर आप जो भी आपको आईडी मिली है उस आईडी का नाम आपको देख जाएगा इसमें, ठीक है, जो भी आईआईटी आपको मिली है। देखिए यहाँ पर आपका जो 10वीं के वो भी लिखा हुआ है, आपको 10 का मिला हुआ, ठीक है, वो भी यहाँ पर देख जाएगा। और यहाँ पर आपका जिस जो भी आपको आईडी मिली है वो आपको आईडी दिख जाएगी, और जिस ट्रेड में आपका हुआ उस ट्रेड का नाम भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपका जो एडमिशन फीस है वो यहाँ पर दिख जाएगा, वो जो एडमिशन फीस है वो कितने पे होने वाली है वो दिख जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए अब आपके लिए मेन चीज़ें हैं, जो आपको तीन ऑप्शन हैं वो ये हैं, ये हम पढ़ लेते हैं मेन ऑप्शन, ये आपके रहने वाले हैं, यहीं पर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, पहला ऑप्शन है आपका कि मैं उपरोक्त चयनित संस्थान और ट्रेड में प्रवेश लेना चाहता हूँ और अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ। मान लो भाई तुम्हें उस आईटीआई में तो एडमिशन लेना है, लेकिन आपको जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड नहीं मिली, तो आप उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लो मैंने चुना था पहले इलेक्ट्रीशियन, लेकिन मुझे मिला कोपा, लेकिन मुझे कोपा में एडमिशन लेना है, तो उस समय आप लोग फर्स्ट वाला ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पहला वाला कि आपको जो अगला राउंड आएगा सेकेंड चरण उसमें आपको मिल सकता है, ठीक है, ये वाला। दूसरा क्या करना होगा, दूसरा हमारा हैगा ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, दूसरा वाला इस पर करेंगे तो ये बता रहा है मैं उपरोक्त चाहे संस्थान और ट्रेड प्रवेश लेना चाहता हूँ और अगले राउंड के लिए अपग्रेड नहीं करना चाहिए। मान लो क्या आपको, मान लो आपने जो ट्रेड आपको लेना चाहिए था, मान लो आपने इलेक्ट्रीशियन आपको लेना था और आपको इलेक्ट्रीशियन ही मिल गया और वही आपको आईटी मिल गई, तो आप उस कंडीशन में ये ले सकते हैं और आईटी में जाके आप लोग प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा उन आवेदकों ने जिनको एडमिशन लेना ही है। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, हमारा तीसरा ऑप्शन ये वाला आएगा, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ मैं अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, और उपरोक्त चाहे संस्थान और ट्रेड में प्रवेश नहीं लेना चाहता। मान लो क्या होता है कि मान लो आपका जो ट्रेड आपको नहीं मिला, ठीक है, और ना ही आपको आईटी मिला जो आपको चाहिए, तो आपका करो उसको आप कर दो अपग्रेड, इस पर क्लिक करो आप लोग, और ठीक है ना ही आपको प्रवेश लेना है और ना ही आपको सीट लेना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये करोगे, लेकिन आपको प्रवेश लेना है, ठीक है, संस्थान में, लेकिन आपको अपग्रेड करना है, तो आप प्रवेश ले लें और आपको अपग्रेड भी आप हो जाएगा आपका, यानी दूसरे जब आप एडमिशन करोगे उसमें, मतलब आप एडमिशन तो हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन आपको जो ट्रेड है जो नेक्स्ट राउंड आपका वो ट्रेड आपका जाएगा, तो आप लोग ट्रेड आप एडमिशन ले सकते जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये करना होगा, तीन ऑप्शन इसलिए ये वाले ये मैंने आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही कर लोगे
और ये आपको सेलेक्ट करके आप लोगों को ये वाला बता दूँगा आप लोगों को, ठीक है। ये सेलेक्ट करके आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे ही आप करोगे, अब जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट करने पर आप लोगों को यहाँ पर देख रहा है सेलेक्ट एनी वन, ठीक है, ये वाला ये देख रहा होगा ऑप्शन, ये वाला इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो हो जाएगा प्रिंट, आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आपका जो प्रिंट आपका जाएगा, तो ये प्रिंट लेके आपको आईटी में जाना है और फिर वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन लेना है। तो ये था अगर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग इसमें कर सकते हैं मोबाइल से, हमने ये पूरा बता दिया मोबाइल से कैसे करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो कर दें लाइक, और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो आप लोग चैनल कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स।